नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एक्सलेंट अकेडमी में। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला अभी अभी आया है, ऐसा समाचार जो है प्राप्त हो रहा है, जिसमें बीएड वालों के लिए एक बहुत बुरी खबर आ रही है। बहुत ही बैड न्यूज कहा जा सकता है इसको बीएड वालों के लिए। बीएड वालों को अब प्राइमरी से बिल्कुल बाहर कर दिया गया है। अब प्राइमरी में बीएड वालों को प्रवेश नहीं मिल पाएगा, तो ये देखा जाए तो बीएड वालों के लिए बहुत ही बुरी खबर है। बीएड वर्सेस बीटीसी का ये विवाद सुप्रीम कोर्ट में पिछले 5 सालों से चल रहा था, और 5 सालों से ही विवाद लगातार जो है बीएड वर्सेस बीटीसी में चल रहा था, और इस पर अब एक फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया है। क्या है ये फैसला, जरा इसको समझते हैं, मामला पूरा क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये राजस्थान सरकार की तरफ से ये चूक कह सकते हैं, राजस्थान भर्ती की परीक्षा थी, टीचर्स ग्रेड 3 लेवल 1 से जुड़ा प्रकरण था ये। आज ही फैसला आया है 11/8 को। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम फैसला। राजस्थान हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ बीएड अभ्यर्थियों की अपीलें की खारिज। एनसीटीई की अधिसूचना में बीएड डिग्रीधारियों 3rd लेवल 1 के लिए पात्र होंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्णय देते हुए किया अवैध करार। कहा बीएड डिग्रीधारी लेवल 1 के लिए अपात्र होंगे। तो लेवल 1 का मतलब क्या होता है? लेवल 1 का मतलब प्राइमरी होता है। तो प्राइमरी में अब सिर्फ और सिर्फ बीएलएड जिसको जो करते हैं, बीएलएड जिसको पूर्व में बीटीसी के नाम से जाना जाता था, 4 सेमेस्टर का डिप्लोमा कोर्स होता है 4 सेम का, और बीएड वाले अब यहाँ पे अपात्र हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार। जस्टिस अनिरुद्धा बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया की खंडपीठ ने दिए आदेश। मुकेश कुमार व अन्य, मुकेश कुमार अभ्यर्थी थे जिन्होंने हाई कोर्ट की फैसला को चुनौती दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, राजस्थान हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ की थी याचिका पेश। डिप्लोमा धारियों की ओर से अधिवक्ता विज्ञान साहनी की पैरवी, सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्णय पूरे देश में लागू। तो ध्यान दीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो फैसला है अब ये पूरे देश में लागू होगा, ठीक है। तो इसमें भारत के जितने भी राज्य हैं उन पूरे देश में ये फैसला लागू होगा, पूरे देश के वीरधारी अब इससे प्रभावित होंगे। तो ये राजस्थान सरकार कि जो अधिसूचना थी उसमें बीएड और बीटीसी दोनों को ही पात्र माना गया था। बीटीसी वालों ने इसका विरोध किया, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने बीटीसी और बीएड का जो ये फैसला था वो बीएड के विरुद्ध सुनाया, बीटीसी वालों को पात्र कहा। बाद में बीटीसी बीएड के जो अभ्यर्थी मुकेश कुमार व अन्य लोग राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेश की, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ज्यादातर मामलों में वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है उसी को ये लोग जो है मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी ज्यादातर मामलों में हाई कोर्ट के फैसले को ही जो है मान्यता देती है। तो इस केस में भी जो है यही हुआ है, जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था उसी को बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये बीएड डिग्रीधारियों के लिए बहुत ही बुरी खबर है। अब बीएड डिग्रीधारी जो 5 साल से तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत बुरी खबर है। इसको ब्लैक डे बीएड डिग्रीधारी कह रहे हैं। आइए देखते हैं कि छात्रों में किस तरीके की न्यूज है और किस तरीके से इसको बीएड डिग्रीधारी ले रहे हैं। देख रहे हैं, एक स्क्रीनशॉट यहां पर लिया गया है। इसमें जो है बीएड डिग्रीधारियों का दुख है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए था, सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। बेचारे 5 साल से तैयारी कर रहे थे, 5 साल से तैयारी कर रहे थे, कोई वैकेंसी कहीं नहीं थी। एक होप था कि कोई वैकेंसी आएगी, उसमें ये लोग फॉर्म भरेंगे और अप्लीकेबल होंगे। वैकेंसियां कम आती हैं, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा चांस रहता है। तो इनकी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया, अब ये बेचारे कहीं के नहीं रहे। इसीलिए इसको ब्लैक डे के रूप में जो है बीएड डिग्रीधारी ले रहे हैं। ब्लैक डे 11 अगस्त 2023 को ब्लैक डे के रूप में जो है बीएड डिग्रीधारी ले रहे हैं, और कितना उदासी भरा चेहरा है
रोते हुए नहीं बन रहा है उनसे। देखा जाए तो एक प्रकार से ये सरकार की ही नाकामी होगी, क्योंकि सपने भी सरकार ही दिखाती है। भारत सरकार के 28 जून 2018 का जो गैजेट था, 28 जून 2018 के गैजेट को आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब बीएड प्राइमरी से बाहर हो गया है। गलती कोई और किया, सजा किसी और को क्यों? गलती अगर सरकार ने किया है तो उसकी सजा हम करोड़ों बीएड छात्रों को क्यों? ऐसा एक बीएड छात्र का प्रश्न है। हमने तो उसी गैजेट के आधार पर ही तो बीएड किया था। बिल्कुल वाजिब प्रश्न है कि जो गैजेट सरकार निकालती है, जो चीजें यहाँ पर फैसला करती है, उसी के आधार पर भोली भाली जनता फंसती है, और उसी गैजेट के आधार पर जो है बीएड लाखों लोगों ने किया होगा, तैयारी भी किया होगा, 5 सालों से परिवार से दूर रहे होंगे, हर चीज से दूर रहे होंगे, समाज से दूर रहे होंगे, और सिर्फ हम अपनी तैयारियों पर ध्यान देते रहे होंगे। लेकिन अब तो ये गैजेट को ही सुप्रीम कोर्ट ने फेल कर दिया है, एससी ने फेल कर दिया है, और भारत सरकार का ये जो गैजेट था ये अब रद्द हो गया है, टोटली रद्द हो गया है। तो बीएड डिग्रीधारियों के साथ ये एक बहुत बड़ा छलावा भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी अब डिग्री इस चीज के लिए मान्य नहीं है जो 2018 के गैजेट में दिया गया था। तो गलत आरोप बीएड डिग्रीधारियों के ऊपर लगाए गए हैं, अब उनका सामना तो करना ही होगा। तो ये एक गलत फैसला, या ये कह लीजिए कि दलीलें सही से नहीं दी गई सरकार की तरफ से, इस वजह से ऐसा जो है फैसला आया हुआ है। एक अन्य छात्र का भी यहाँ पर कमेंट्स देखने को मिल रहा है कि एनसीटीई और सरकार की नाकामी की सजा सभी बीएड वाले झेलेंगे। जाहिर सी बात है, एनसीटीई और गवर्नमेंट, यही गैजेट देखा जाए तो 2018 के लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने बीएड को यहाँ पर पात्र समझा था, बीएड को यहाँ पर पात्र समझा था, और इसी के आधार पर छात्रों ने बीएड किया। बीएड करने के बाद यूपी, कईयों ने तो यूपी टेट निकाला है। यूपी टेट आज तक अगर देखा जाए तो यूपी टेट का जो पिछला एग्जाम हुआ था, अभी तक इसका रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं किया गया, नॉट डिक्लेयर, अभी तक रोका रखा गया है। सिर्फ इसी फैसले के कारण जो है रोका रखा गया, उनको अपात्र जो है समझा गया, लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है, करे तो करे क्या बेचारे, इसीलिए ये लोग इसको ब्लैक डे के रूप में ले रहे हैं। आइए देखते हैं, कुछ छात्रों ने कुछ ग्रुप में डिस्कशन किया है जिसका स्क्रीनशॉट मेरे पास आया है, भेजा गया है, और मुझसे कहा गया है कि सर इस पे भी चर्चा जरूर करें। तो देखा जाए तो यहाँ पर एक स्टूडेंट ने कहा है कि अभी अभी हाल ही में बिहार का फॉर्म आया है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं बम्पर वैकेंसी आई है, करीब 1,70,000 के आसपास बिहार में टीचर्स की भर्ती आई है, ठीक है। तो इसमें टीचर्स के लिए बिहार और बिहार के बाहर के भी विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है, और जो बिहार आउट ऑफ बिहार है, जो आउट ऑफ बिहार के स्टूडेंट हैं, उन्होंने उनको सिर्फ 1 से 5 तक ही एंट्री मिली थी, ठीक है, 1 से 5 तक ही एंट्री मिली थी। 750 के आसपास उसका फॉर्म की फीस यहाँ पर भरी थी, भराई गई थी, और अब अगर उसमें से बीएड वालों को बाहर कर दिया गया तो एक प्रकार से बड़ी नाइंसाफी होगी, और बीएड वाले अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे तो बीएड वालों को एक मौका वहाँ पे, कंपटीशन यहाँ पे हल्का हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रश्न है कि बिहार में जो अभी पेपर होना है उससे भी बाहर हो जाएंगे क्या? ये देखिए स्टूडेंटों के लिए जो है एक क्वेश्चन मार्क है, बेचारे डर रहे हैं कि कोई बताएगा क्या होगा यहाँ पर, शायद हो जाए, एक दूसरा विद्यार्थी कह रहा है शायद हो जाए, लेकिन वहाँ ब्रिज कोर्स का रूल है। ब्रिज कोर्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ब्रिज कोर्स क्या होता है, ब्रिज कोर्स का रूल क्या होता है, एक कोर्स है जो बीएड वालों के लिए होता है ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स का तरीका ये है कि अगर आप बीएड हैं तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ब्रिज कोर्स का अंतर्गत आप अप्लाई कर सकते हैं, बीएड हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी नियुक्ति हो गई तो नियुक्ति के उपरांत, नियुक्ति के उपरांत, नियुक्ति के बाद
आपको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना होगा, 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा, ब्रिज कोर्स करके ही आपको नियुक्ति दी जाएगी, जिसके लिए आपको 6 महीने की छुट्टी भी दी जाएगी। ठीक है, तो एक ब्रिज कोर्स का वहां ऐसा कुछ प्रावधान है, ऐसा छात्र कह रहे हैं। शायद बेचारे यहां पर प्रश्न जो कर रहे हैं, शायद गवर्नमेंट ना करे बाहर। अब सरकार गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो वो तो लागू तो होगा ही होगा। लेकिन ये एक मासूम सा क्वेश्चन है, किसी को कोई नॉलेज है क्या इस बारे में? नॉलेज तो बहुत है, लेकिन जो फैसला आया है वो तो पूरे भारतवर्ष में लागू है। तो यहां पर फिलहाल जो तैयारी कर रहे हैं बीएड के छात्र, वो बिहार गवर्नमेंट का, बीपीएससी का जो भी फैसला होगा, जो भी नोटिस आएगी, इसका इंतजार करें। कोई जल्दीबाजी न करें, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करना है। आप अपनी तैयारी को मत रोकिएगा, ठीक है, तैयारी न रुके। बीएड डिग्री धारकों को बोल रहा हूँ, तैयारी न रुके, तैयारी करते रहे। बीपीएससी क्या न्यूज़ देती है, बीपीएससी के नोटिस पर ध्यान बनाए रखें, ठीक है, ध्यान दिए रहें, क्या नोटिस आती है उसी के अनुसार ही आपको फैसला यहाँ पर लेना है। ठीक है, ये इस प्रकार का गैजेट एक स्टूडेंट ने यहाँ पर शेयर किया हुआ है, जो मैंने ब्रिज कोर्स के बारे में बताया है उसी में ये वर्णित है। ठीक है, तो इस तरीके की न्यूज छात्रों में चल रही है, थोड़ा डर का भी माहौल है। एक यहाँ पर स्टूडेंट बता रहा है कि करीब करीब बीपीएससी में 80% फॉर्म बीएड वालों ने भरे हैं। अगर देखा जाए तो ये काफी बड़ा वो है। तो ये हाँ सही बात है क्या? पीआरटी की वैकेंसी में अब फाइट बहुत ही कम हो गई। तो कंपटीशन जब, जाहिर सी बात है, जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, 5-5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, हर वैकेंसी पे उनकी नजर होती है, अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो जब उन्हें आउट कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कंपटीशन कम होने के चांसेज हैं। ठीक है, कंपटीशन यहाँ पर कम होने के चांसेज हैं। तो जब कंपटीशन आपका कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि बीएलएड वालों के छात्रों को यहाँ पर फायदा मिलेगा। अगर वो तैयारी अच्छे से करेंगे तो इसको निकाल ले जाएंगे। अब तो ट्रेन टिकट, कुछ लोगों ने तो यहाँ पर ट्रेन टिकट भी करा लिया था बिहार एग्जाम के लिए, तो कह रहे हैं बेचारे अब तो ट्रेन टिकट भी कैंसिल कराना होगा। तो यहाँ पर बीएड वालों का जो दुख और दर्द है वो साफ देखा जा रहा है। तो यहाँ पर तो मैं आप लोगों को ये एक ही बात बताने जा रहा हूँ कि अगर आप बीएड का बीएड धारक हैं और आपने बीपीएससी टीचर्स का फॉर्म भरा है 1 से 5 वाला, क्योंकि 1 से 5 ही भर पाएंगे अगर आप बीएड बिहार के बाहर के हैं, तो आपको बिहार जो बीपीएससी का नोटिस है इसका इंतजार अभी करना चाहिए। बीपीएससी क्या नोटिस देती है, 1-2 दिन में जो भी होगा सब क्लियर हो जाएगा, इसका इंतजार करना चाहिए, उसके बाद ही आप कोई फैसला लीजिए। पहले से फैसला मत लीजिए, उदास न होइएगा, जो भी होगा आपके सामने ही आएगा। तो जो देखा जाए तो बीपीएससी जो है वो आपका नोटिस 1 से 2 दिन में आपको दे देगी। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसले के अनुसार अगर देखा जाए तो बीएड वाले इसके लिए अपात्र होंगे अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अपात्र होंगे बीएड वाले अपात्र होंगे। तो ये काफी बुरी सूचना है देखा जाए तो बीएड करने वाले विद्यार्थियों के लिए। लेकिन अब इसमें होप क्या है, इसमें हो क्या सकता है अगर ये देखा जाए तो, यहाँ पर अगर आपकी सरकार चाहे, अगर आपकी सरकार चाहे तो वो गेम यहाँ पर कर सकती है, वो अध्यादेश ला सकती है, संसद में अध्यादेश लाकर पुनः गैजेट 2018 को पुनः 2018 वाला जो गैजेट है उसे वैध कर सकती है, वैध कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर पलटना है तो यहाँ पर सरकार को अध्यादेश लाना होगा, अन्यथा इस भर्ती से तो अब बीएड वाले पूरी तरीके से बाहर हो गए हैं।
जो भी आप लोगों के प्रश्न हो, कमेंट हो, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसको यहाँ पर आप लोगों के सही उत्तर दे सकूं। धन्यवाद।